सामाजिक संस्था चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन बीते लंबे समय से समाज हित में कार्य कर रहा है, लगातार प्रयास कर लोगों को इसका लाभ भी दे रहा है। संस्था ने नई पहल शुरू की है। श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा बीते काफी लंबे समय से भिलाई वासियों को सेवाएं कर उन्हें संस्था का लाभ दिया जा रहा है। संस्था द्वारा भविष्य की योजनाओं का निरूपण तय कर उन्हें लाभ दिए जा रहे हैं। वहीं सेवानिवृत्त वरिष्ठ जनों हेतु ITR, मेडिक्लेम, लाइफ सर्टिफिकेट जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही है। वहीं वर्तमान में चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा सेवानिवृत्त वरिष्ठ जनों के लिए सेवानिवृत्त के समय फाइनल पेमेंट, फाइनल सेटलमेंट, DA बिल, मेडिक्लेम और NPS जैसी सेवाएं भी देना प्रारंभ कर रहा है। इसकी शुरुआत भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारी सेवाएं विभाग से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए राजेश कुमार दिवांगन के सहयोग से दी जा रही है। ये जानकारी श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन की सचिव जसवीर कौर व राजेश कुमार टेक वो राजेश दिवांगन टेक वो राजेश कुमार दिवांगन ने दी है। मैं जसवीर कौर श्री चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन के सचिव पद पर पदस्थ हूँ। हमारी संस्था एक सामाजिक संस्था है जो विगत 12 वर्षों से लगातार भिलाई वासियों को अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान कर रही है। संस्था द्वारा विगत 12 वर्षों से भिलाई के जितने भी सेवानिवृत्त पर्सन होते हैं उनको लाइफ सर्टिफिकेट, ITR और मेडिक्लेम, ये सारी सुविधाएं संस्था निःशुल्क प्रदान करती है। इसमें ये होता है कि अगर वो कहीं और से करवाते हैं तो उनसे इन्हीं सब फॉर्म फिलअप वगैरह के 100 से 150 रुपये लिए जाते हैं और अपनी संस्था ये सारी चीज़ें जो है पैसे नहीं लेती है और निःशुल्क ये देती है। चतुर्भुज मेमोरियल फाउंडेशन की स्थापना ही उनके पिता के स्मरण में हुई है। संस्था के संस्थापक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी ने उनकी याद में ही ये संस्था का स्थापना किया था। अपने पिताजी से वो मोटिवेट होकर, क्योंकि वो भी सामाजिक कार्य में काफ़ी रुचि रखते थे, तो उनसे ही प्रेरित होकर इन्होंने इस संस्था का निर्माण किया। बीते दिनों में जैसे भी लेटेस्ट में जो हुआ था टीचर्स डे, शिक्षक दिवस के अवसर पर बालोद में, जो कि सर का बैकग्राउंड रहा है, वहाँ पर उन्होंने जाके अपने शिक्षकों का सम्मान किया। वहाँ पर भी एक और संस्था का उन्होंने अनावरण किया, सहयोग एक प्रयास के नाम से। जैसे जो अभी यहाँ पे मेमोरियल फाउंडेशन के थ्रू हो रहा है वो अब इस चीज़ को और आगे बढ़ाते हुए बालोद में भी अपनी सेवाएं देना प्रारंभ करेंगे। जी, छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के सर अध्यक्ष रह चुके हैं और उसमें भी पिछले 8 से 10 सालों से वो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दिव्यांग बच्चे जो हैं वो खिलाड़ी जो अपने बाहर जाते हैं टूर्नामेंट वगैरह के लिए, उनके लिए सारी चीज़ें अरेंज करना, लोगों के पास जाना, उनसे बातें करना और मंच मिलता है उनको। हाँ जी, उनको इस सब चीज़ों का मंच मिलता है। तो दिव्यांग बच्चों के लिए वो अपनी सेवाएं, जैसे अब तक सिर्फ लाइफ सर्टिफिकेट, ITR, मेडिक्लेम, यही सारी सेवाएं हम दे पा रहे थे, लेकिन अब हमारी संस्था से एक और पर्सन जुड़े हैं जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र से ही सेवानिवृत्त हुए हैं। वो वहाँ पर उनकी सेवाएं थी कि जो फाइनल सेटलमेंट या पेमेंट होता है तो वो वहाँ पर दे रहे थे। अब उनको हम यहाँ अपनी संस्था से जोड़कर यही सारी सेवाएं वो हम अपनी संस्था के द्वारा अब देना चालू कर रहे हैं। ये अब तक नहीं था हमारे पास, ताकि जितने भी रिटायरीज इस सारी चीज़ों के लिए कहीं और जाते थे तो उनको कहीं और ना जाके यहाँ से सारी ये सारी सुविधाएं दी जाए। शहरवासी से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वो किसी चीज़ के लिए बाहर जाके परेशान हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों के अलावा अगर बैंकिंग वगैरह की भी कुछ इश्यूज़ है, जैसे किसी का आकस्मिक या स्वाभाविक मृत्यु होता है, उसके उपरांत फिर जो दावा पत्ति होती है वो बैंक में देनी होती है, जिसके लिए उनको काफ़ी परेशान होना पड़ता है, वो सारी चीज़ें भी अपनी संस्थाएँ करती हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ में अब ये सब भी ऐड हो गया है। बताएं, संस्था के कार्यों के लिए कई बार सम्मानित भी किया गया है। जैसे अभी लास्ट टाइम भी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा भी संस्था को उनके सामाजिक कार्यों हेतु सम्मान मिला है। ये हमारी संस्था है, ये इसके संचालक हमारे श्री अरुण कुमार जी श्रीवास्तव जी हैं और ये संस्था हमारे विगत लगभग 11 साल से कार्यरत है। ये संस्था जैसे इस संस्था द्वारा है, मतलब जैसे निःशुल्क सेवाएं जैसे प्रदान किया जाते हैं, हमारे संस्था का उद्देश्य ये यही है कि सेवा सलाह और समाधान, इसके तहत ही हम अपन कार्य का अपना निष्पादन करते हैं। इसमें जैसे कि दिव्यांगों के लिए सब निःशुल्क मतलब सेवाएँ दी जाती है और जैसे कि जब शिक्षा से क्षेत्र से जुड़े हुए सब विद्यार्थियों के लिए भी हमारे सेवा भावनों से इनके लिए कार्य किए जाते हैं। हाँ, जैसे इसमें मतलब अभी बीते दिनों में मतलब इनके मतलब इस संस्था द्वारा विकलांगों के लिए एक
क्रिकेट का एक क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया गया था और महिला दिवस में भी उनके महिलाओं का सम्मान भी किया गया था। मतलब और विविध बहुत सारे इसके कार्य हमारे संस्था द्वारा विगत दिनों में किए गए हैं। कोई योजना है संस्था का प्रयास है वो किस तरह का है? हाँ, उसमें संस्था का प्रयास ये है कि मैं स्वयं जैसे मेरा नाम राजेश कुमार देवांगन है, मैं खुद एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ और मैं भिलाई स्टील प्लांट के सेवा कर्मचारी सेवाएं विभाग में कार्यरत था, जहाँ मतलब भिलाई इस्पात संयंत्र के जितने भी अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो जो सेवानिवृत्त होते हैं उनके फाइनल पेमेंट के संबंध में जितनी भी मतलब उनका जो भुगतान होता है किसी हर प्रकार के, वो जैसे कि फाइनल पेमेंट है, फाइनल सेटलमेंट, ये बिल है, मेडिक्लेम है, सेवा है और इसके अलावा एनपीएस है, मेडिक्लेम है, ये सभी कार्य उसी संस्था से होता था और जिस उसी को मतलब उस विभाग द्वारा किया जाता था और उसी विभाग में मैं शुरू से ही वहाँ 27 साल से सेवाएँ दिया हूँ और वहीं से ही मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपनी सेवाएं इस संस्था के माध्यम से उनके लिए, अपने साथियों के लिए जो सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं या होंगे उनके लिए मैं पूर्ण समर्पित इस संस्था के माध्यम से जुड़ना चाहता हूँ। बहरहाल संस्था द्वारा आगामी दिनों में समाज हित व विभिन्न क्षेत्रों में नए आयाम रचे जाएंगे। पूर्व में भी संस्था ने कई सम्मान अपनी बेहतर सेवाएं देने हेतु प्राप्त किए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।